सब शंकर जी सुनाते हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद हिमालय क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। हिमगिरी गुहा एक अति पावन है। अच्छा, यहां एक अद्भुत बात कही, हिमालय पूरा का पूरा पवित्र है, पावन है। वहां रहने वाली, वहां जितनी उपत्यकाएं हैं, गुफाएं हैं, वे सब पावन है। पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं एक अति पावन, एक अत्यंत पावन है। का ये अत्यंत पावन क्यों है? क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावनी, श्री गंगा जी के किनारे है। अब नारद जी वन में गए, हिमालय को देखा, गंगा जी को देखा, गंगा जी का दर्शन किया, वन पर्वत देखे तो निरख शैल सर विपिन विभागा भयउ रमापति पद अनुरागा। देखो, वन में संतजन भजन करने जाते थे, क्यों? वन देखकर भगवान की याद आती, भगवान की याद। अच्छा, आप ऐसे सोचो, आप किसी शहर में जाएं और बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई देखें तो किसकी याद आएगी? जिसने इमारत बनाई है, जिसकी है, उस मालिक की याद आएगी। कई बार लोग कहते हैं ये उनकी कोठी है, ये उन्होंने बनाया, ये इन्होंने बनाया। तो संसार के शहरों में घूमकर देखें तो आप जो मकान आदि कोठी बंगले बने हुए देखेंगे तो उनकी याद आएगी, जो उसके मालिक हैं, जिन्होंने इसे बनवाया है। लेकिन वन में जब पर्वत देखेंगे, वृक्ष देखेंगे, नदियां देखेंगे तो भगवान की याद आएगी, क्योंकि वन पर्वत वृक्ष नदियों को बनाने वाले तो भगवान ही हैं। इसलिए भगवान की याद आएगी। किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया है। जो बालक शुरुआत प्राइमरी स्कूल में पढ़ते उनकी पुस्तक में एक कविता है, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। कौन है जो नदियों में बह रहा है? कौन है जो फूलों में मुस्कुरा रहा है? कौन है जो सूरज में चमक रहा है? कौन है जो चंद्रमा में शीतलता दे रहा है? सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर युग पानी। तो अच्छा, गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों में अनुराग इसलिए हुआ क्योंकि गंगा जी ऐसी धारा है जिनका जन्म भगवान के चरण से हुआ। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी सुर सरी सरी शंकर जटा समाई राम चरण सुसाई राम चरण भजवन राम चरण राम 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 चरण राम चरण चरण भगवान के चरणों का स्मरण हुआ।
राम चरण सुखदायी। अब लगा कि भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए प्रभु का स्मरण करें, पर अजब भाव तो है रुकने का, ठहरने का, पर भाग्य ठहरने दे तब। हम लोगों का जीवन दो के बीच में है, भाग्य और भाव। हम चाहते कुछ और हैं और भाग्य से मिलता कुछ और है। हम चाहते थे वैसा होगा, ऐसे लोग मिलेंगे, भाग्य से कुछ और तरह के मिल गए। तो भाग्य और भाव का द्वंद्व है कि नहीं? हम जहां नहीं चाहते वहां रहना पड़ता है, जिन्हें नहीं चाहते उनके साथ रहना पड़ता है। तो भाव और भाग्य, भगवान राम के आगे आगे मारीच दौड़ रहा था हिरण बनकर, पर पीछे मुड़ मुड़ कर देखे भागे उधर, तो भगवान ने कहा उधर भाग रहे तो इधर क्या देख रहे हो, या तो जिधर भाग रहे उधर ही देखो, या जिधर देख रहे उधर लौट आओ। मारीच ने कहा मजबूरी है क्या, भाग्य उधर ले जा रहा है और भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है, यही तो है। तब करें क्या? अच्छा मान लो हमारा भाव हो कि चित्रकूट में रहकर भजन करें, और भाग्य न रहने दे तो निराश ना हो। यह कथा यही संदेश देती है। नारद जी को भी भाग्य नहीं रुकने दे रहा, भाग्य काय से बना, कर्म का फल। तो कर्म क्या किया? दक्ष के बेटों को समझा दिया, महाराज दक्ष के पुत्र भजन करने वन में जाते ताकि शक्ति संचय करके हम संसार में आकर गृहस्थ जीवन बिताएं और उत्तम से उत्तम संतान समाज को दें। यह एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है। अपने यहां दो ही मार्ग, प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग। और अच्छाई तो किसी न किसी रूप में रहनी चाहिए। विरक्तों के यहां अगर बिंदु परंपरा से शिष्य गुरुदेव की विशेषताओं को समाज को अपने माध्यम से देते रहते हैं, काहे से? गुरुदेव की नाद परंपरा से। गुरुजी ने कान में मंत्र सुनाया, गुरुजी ने ज्ञान दिया, ये नाद परंपरा से सदगुरु के यहां शिष्यों का जन्म होता है और धर्मशील आचरणशील धर्मात्मा गृहस्थों के यहां बिंदु परंपरा से संतान का जन्म होता है। दोनों ठीक है, लेकिन अपना अपना मार्ग है। देखो बड़े शहरों में दो मार्ग होते हैं, एक बीच बाजार से जाता है मार्ग, एक बाईपास रोड जाता है। तो संसार एक शहर है, सड़कें दो हैं, एक बाजार के बीच का रोड, एक बाईपास रोड। तो विरक्तों के लिए ये बाईपास रोड है और गृहस्थों के लिए ये बाजार की सड़क है। ये बात अलग है कि आगे जाके दोनों सड़कें एक हो जाती हैं। भगवान ने यही कहा कि विभीषण तुम घर मत छोड़ो, सिंहासन पर रहो, राज्य करो, पर करे कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेउ मन माई, पुनि मम धाम पाई हो जहां संत सब जाए। इसलिए दोनों ही मार्ग हैं, पर दोनों की अपनी अपनी मर्यादा है। लेकिन दक्ष के पुत्र जाते तपस्या करने, लौट कर आते कि हम गृहस्थ बनेंगे, रास्ते में नारद जी मिल जाते। कहां गए थे? भजन करने। अब कहां जा रहे हो? विवाह करने। काय को झंझट में पड़ते हो? भगवान के भजन जैसा सुख नहीं है, अपना आराम से भजन करो। ये संसार काय को बसाते हो, प्रपंच है, फिर इससे सुलझना मुश्किल है। ऐसे उपदेश देते। अब नारद जी का उपदेश सुनकर वे दक्ष के बेटे घर ही लौट कर नहीं आते, फिर चले जाते वन में,
और बाबा जी बन जाते। दक्ष को पता लगा कि बेटे जाते हैं लौटकर आ नहीं पाते क्योंकि नारद जी उन्हें समझा देते हैं, तो नारद जी को श्राप दे दिया दक्ष ने कि ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते, दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। कहीं कहीं उल्लेख है कि जितनी देर गौ दोहन हो उतनी देर ही नारद जी ठहर सकते हैं, गाय को दोहने में जितना समय लगे चलो, पर ठहर नहीं सकते। ये श्राप दिया दक्ष ने और आश्चर्य की बात गृहस्थ का श्राप संत को लग गया। आप ऐसा ना सोचें कि हमारे ग्रंथों में ऐसी कथाएं हों कि संतों का श्राप गृहस्थों को लगता हो, ये अद्भुत कथा है। गृहस्थ का श्राप संत को लग गया, क्यों लग गया? अच्छा, नारद जी कोई गलत काम कर रहे थे, नारद जी तो बाबा जी बना रहे थे, और साधु बनना तो बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि जिस घर में साधु का जन्म हो जाए उनकी पीढ़ियां तर जाती, लेकिन फिर ये श्राप क्यों लग गया? श्राप इसलिए लग गया कि आप यह सोचो कि नारद जी दक्ष के बेटों को बाबा जी बना देते, साधु बना देते, विरक्त बना देते, तो बाबा जी बनना तो बुरा नहीं है, लेकिन आप ऐसे सोचो अगर सभी बाबा जी बन जाएंगे तो बाबा जी बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? आप ऐसे सोचो कि बाबा जी सब बन जाएं तो बाबा जी ही बनने बंद हो जाएं, क्योंकि गृहस्थ न हो तो महात्मा का जन्म किसके यहां हो? और महात्मा की कौन कहे? मैं तो कहता हूं गृहस्थ न हो तो परमात्मा का अवतार कहां हो? राम जी भी दशरथ कौशल्या जी के यहां आते हैं, श्री कृष्ण भगवान वसुदेव देवकी के यहां आते हैं, इसलिए अपने यहां कहा गया धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। इसलिए श्राप लग गया, पर नारद जी महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, श्राप लगने पर भी प्रसन्न, निंदा स्तुति उभय सम। अच्छा, श्राप लगने पर प्रसन्न क्यों हो? आप ज्यादा देर एक जगह नहीं रह सकते, नारद जी ने कहा और अच्छा है, एक जगह ज्यादा देर नहीं रहेंगे तो ज्यादा जगह जाएंगे, अभी दो चार को सिखाते थे हम 200-400 को सिखाएंगे, पर आज भगवान का भजन करना चाहते हैं, अब श्राप लगा है पीछे। भाग्य अगर पीछे लगा हो तो डरे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भी राष्ट्रपति है, ऐसा ही भाग्य का अंतिम फैसला क्यों ना हो पर भाग्य के ऊपर भगवान है। काशी नरेश ने संत श्री तुलसीदास जी महाराज की शरण में जाकर कहा मार्केश लग गया है, नवग्रह प्रतिकूल हैं। तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है, क्या? भगवान का अनुग्रह है, भगवान अनुग्रह करें तो नवग्रह क्या करें। और इसलिए उन्होंने कहा भी सूरज मंगल सोम भृगु सुत, नवग्रहों के नाम लेना, सूरज मंगल सोम माने चंद्र, भृगु सुत शुक्र, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु वरदायक ते दो, बुध और गुरु, राहु 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 केतु की नाही गम्यता, राहु केतु की नाही गम्यता, शनि चर हो सवे दो जान के ना जान की नाथ सहाय करें।
पार करे नर ते दो जान के नाथ सहारे जान के नाथ सहारे पाए करे जान के भगवान अगर सहायता करें क्या करें। और ये प्रसंग बताता है कि नारद जी ने भगवान का स्मरण किया तो श्राप का प्रभाव समाप्त हो गया, भाग्य बदल गया। सुमिरत हरि श्राप गति बाधि सहज विमल मन लाग समाधि। नारद जी को समाधि लग गई। नारद जी को क्या लगी? समाधि। अच्छा एक बात बताओ, किसकी कृपा से लगी? भगवान की कृपा से। अच्छा नारद जी समाधि में मग्न और इंद्र को डर लगा। स्वर्ग का राजा इतना बड़ा देवताओं का राजा, डर लग रहा है। न सुखम चक्रवर्तिना यत सुखम वीतरागस्य मुनिर एकांत वासिना। इंद्र को भी वो सुख नहीं है, किसी चक्रवर्ती राजा को भी वो सुख नहीं है जो सुख भगवान का भजन करने वाले एकांत में रहने वाले महात्मा को प्राप्त होता है। जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागा मेरा यार फकीर। और तुलसीदास जी ने तो बहुत अद्भुत बात कही, सिंह दिखा लो